अच्छा काम कर रहा है। अच्छा जी, आज हम देखेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके, बल्कि नहीं, हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, फियर्स, स्टैंडर्ड फील्ड्स, इनको बाद में देखते हैं, पहले हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स को देख लेते हैं। ये हमने पढ़ा था पहले कि नहीं? नहीं पढ़ा। क्या वॉइस इज नॉट क्लियर? कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग अभी आपको मिल भी जाएगी। मैं इसको लूंगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट को, इसको पहले मैं करता हूँ कॉपी एज A25, कॉपी ऑल। ताहिर आपको आवाज आ रही है? जी सर। क्लियर आवाज आ रही है? जी क्लियर आ रही है। आदिल और हमारे दूसरे, क्या नाम है उनका, आदिल और वकार सब, आप लोग अपना ऑडियो सही करें। A25। अच्छा, अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स हैं क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब आप ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो बल्कि जीएल अकाउंट का मास्टर डेटा जब बनाते हैं, तो आपको ये फील्ड्स जो हैं उसमें जीएल की कैटेगरी के मुताबिक डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स आते हैं। जैसे अगर आप मटेरियल का अकाउंट बनाते हैं, मटेरियल का अकाउंट आपके रॉ मटेरियल के भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे मटेरियल आप कंज्यूम हो रहा होता है, तो इसमें आपके मटेरियल का स्टॉक अकाउंट, रॉ मटेरियल के अकाउंट यूज होंगे, तो उनको ये वाला फील्ड स्टेटस ग्रुप लगेगा। अच्छा, इसमें कौन सी फील्ड्स आती हैं जो आपको जीएल में नजर आएंगी, वो हम ये देखते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके ही इसमें जा रहा हूँ। इसमें बता रहा है कि आप वेंडर गुड्स मूव कर रहे हैं, वो ऑप्शनल है कि या आपसे वेंडर गुड्स मूवमेंट डालना है, नहीं डालना है। अब वेंडर गुड्स मूवमेंट क्या है, यानी वेंडर ने आपके सामान भेजा, आपके गेट पे आया, उसका जीआरएन बना, ठीक है, और जीआरएन बन के उसके फिर अगेंस्ट अकाउंटिंग एंट्री मूवमेंट जो है आपकी, इसमें वेंडर इन्वॉइसिंग भी होती है, आपका क्यूए भी होता है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये ऑप्शनल एंट्री डाल सकते हैं, इसी तरह कस्टमर के गुड्स मूवमेंट है। ऑर्डर का अगर आपने रेफरेंस खुलवाना है मटेरियल के अकाउंट, उठाओ एसी का रिमोट बंद कर दीजिए, है ना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स में क्या होता है कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स में वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। अपना वकार साहब, अपना आदिल साहब, अपना ऑडियो से कीजिए आप। ताहिर साहब का आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मटेरियल से रिलेटेड आपके जो फील्ड्स हैं वो आपकी, आपको जीएल के लेवल पे, एंट्री लेवल पे, मास्टर डेटा लेवल पे नजर आएंगे। आपके पास ऑप्शन होता है उनको डिस्प्ले करवाने का, या फिर उनको ऑप्शनल रखने का, या फिर उनको रिक्वायर्ड मैंडेटरी करने का, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप दूसरे उस पर जाते हैं, लेट से बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, जो बैंक के अकाउंट्स पे जीएल्स पे लगेगा, तो यहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं जो ब्लू हो रहे हैं वो जो है इसमें जो फील्ड्स हैं वो आपकी कुछ डिस्प्ले हो रही है। कौन सी? ड्यू डेट, रिक्वायर्ड एंट्री है, बाकी पेमेंट टर्म्स वगैरह इसने जो है ना, बाकी इसने वो छुपाए हुए हैं, सप्रेस किए हैं। तो रिक्वायर्ड एंट्री आपकी एक ड्यू डेट उसने कर दी है, आपके बैंक अकाउंट्स पे लग जाती है। अब अगर मैं आता हूँ जनरल पे, ऑब्लिगेटरी टैक्स इसने जो है वो रिक्वायर्ड रखा हुआ है, ऑप्शनल असाइनमेंट नंबर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके मुख्तलिफ जो जीएल्स आप बनाएंगे तो वहां पे जाके आपके इस्तेमाल होंगे। अभी फिलहाल ना भी अगर आपके समझ में आए, कोई मसला नहीं, कॉस्ट अकाउंट्स देख लेते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है।
एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट, यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर हो गया, ये सब चीजें आएंगी। मैं इसका पेज डाउन करता हूँ। यहाँ पे आपके बिजनेस एरिया प्रॉफिट सेंटर इसने छुपाया हुआ है, हालांकि ये ऑप्शन कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट ये भी इसने छुपाया हुआ है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये भी इसने छुपाया हुआ है, हालांकि ऑप्शन एंट्री कर सकता है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव 825। ये आपके फील्ड स्टेटस वेरिएंस है। अभी थोड़ा सा भी समझ में आया तो खैर है, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अब असाइन इट टू द कंपनी कोड, कंपनी कोड कौन सा हमारा 825 है, यहाँ पे 001 लगा हुआ है, 825 में डाल देता हूँ, सेव किया। अच्छा, सब स्क्रीन्स को देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, यू चेंज क्लाइंट इंडिपेंडेंट टेबल्स विद दिस ट्रांजैक्शन, आफ्टर यू जनरेट कोडिंग ब्लॉक सब स्क्रीन द चेंजेस कैरिड आउट आर वैलिड इन ऑल क्लाइंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, यू कैन फाइंड फर्दर इन्फॉर्मेशन सेटिंग अप कोडिंग ब्लॉक इन योर एरिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये एवेपर्स के लिए बेसिकली सब स्क्रीन है जो बनी हुई है। ठीक है, ये अब आपको देख रहे हैं स्क्रीन्स दिखा रहा है कि इसमें आपको क्या क्या दिखा रहा है। ठीक है, क्या क्या फील्ड्स आपको दिखा रहा है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ बिजनेस एरिया ऑर्डर, बिजनेस एरिया ऑर्डर, ट्रेडिंग पार्टनर, बिजनेस एरिया। ठीक है, ये वो सब स्क्रीन्स है जो बनी हुई है पहले से, आप इनके साथ खेल भी सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बिजनेस एरिया जीएल अकाउंट प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया जीएल अकाउंट प्रॉफिट सेंटर, टेस्ट डिस्प्ले सब स्क्रीन, ये स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब स्क्रीन है, ये आप बाकायदा एवैप वालों के साथ डिजाइन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाए स्टैंडर्ड फील्ड्स पे। स्टैंडर्ड फील्ड्स जो है, अब इसको फिलहाल हम अभी नहीं छेड़ेंगे जब तक कि हम एस्ट्रक्स को पढ़ ना लें। अच्छा, ये कंसोलिडेशन के बेसिकली, जब आप कंसोलिडेशन करते हैं ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को, वहां पे इस्तेमाल होता है, फिलहाल उनको ना छेड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा। अब आते हैं अगले उस पर, लेजर पे। लेजर पे हमने डिस्कशन की है? नो सर। ठीक है, लेजर जो है ये आपके जरूर बिल जरूर आपके उसमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, चल के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, एसएपी के लैंडस्केप में एक लेजर होता है जिसमें सारी एंट्रीज आपकी आती है, और वो प्रिंसिपल लेजर होता है, उसे कहते हैं लीडिंग लेजर। जहां एक लीडिंग लेजर होता है उसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, वो नॉन लीडिंग लेजर्स होंगे या फिर एक्सटेंशन लेजर्स होंगे। एक्सटेंशन लेजर जो है वो आपके लीडिंग लेजर से सारा इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, सारी एंट्रीज वगैरह ले रहे होते हैं। नॉन लीडिंग लेजर्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ करेंसीज में रिपोर्ट करने के लिए, टैक्सेशन को रिपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, करेंसी के लिए भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेजर है, इसमें एंट्रीज वगैरह हो सकती हैं। लीडिंग लेजर में आप सारी की सारी एंट्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया, कंपनी कोड की सेटिंग्स पे गया, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड है A25 में। अब आपको ये क्या बता रहा है कि लीडिंग लेजर जो प्रिंसिपल लेजर है उसमें आपका कंपनी कोड, लोकल करेंसी कौन सी इस्तेमाल करेगा, कंपनी कोड की करेंसी इस्तेमाल करेगा, करेंसी जो टाइप है, करेंसी, ये जो करेंसी टाइप्स है यहाँ से भी डिफाइन हो सकती है। तो ग्लोबल जो करेंसी टाइप है वहां पर भी आपकी कंपनी कोड करेंसी ही इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल करेंसी आप पूछेंगे, ग्लोबल करेंसी वो है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस होता है तब भी आप उसमें मुख्तलिफ करेंसी इस्तेमाल कर सकते, यानी आप प्रॉफिट सेंटर की करेंसी, कंपनी कोड की करेंसी, ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया की करेंसी भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। फ्रीली डिफाइंड करेंसी कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अभी कोई एंट्रीज नहीं, हम जाके देख लेते हैं। इसको अभी फिलहाल क्लोज करता हूँ, करेंसी टाइप्स पे मैं जाता हूँ, बल्कि एक मिनट, इसको डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जाके अब मुझसे वो पूछ रहा है कि फिस्कल ईयर वेरिएंट हमारा K4 होगा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट अभी हमने डाला नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो आपके 3-4 हो सकते हैं, कौन से, IFRS, गैप, ठीक है ये हो सकते हैं, तो मैं इसको गैप डाल देता हूँ, फंक्शनल करेंसी एक तो दे देता हूँ, फंक्शनल करेंसी कौन सी है, कंपनी कोड की करेंसी है, उसके बाद पैरेलल अकाउंटिंग, आपकी पैरेलल अकाउंटिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है, करेंसी के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग एरिया की ऑब्जेक्ट करेंसी है वो 70 इसने रखी हुई है, जो कंट्रोलिंग एरिया की है, और वो सोर्स यानी है तो वो करेंसी कंट्रोलिंग एरिया की, जो कि करेंसी USD भी हो सकती है, और सोर्स जो करेंसी आपकी PKR हो सकती है, ठीक है, वो सोर्स किसको उठा रहा है, कंपनी कोड के उससे उठा रहा है। अच्छा जी, करेंसी टाइप्स पे जाते हैं, हम करेंसी टाइप्स यहाँ पे आप देखेंगे करंट कंपनी कोड करेंसी बनी हुई है। अब नीचे अगर हम चले यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन करेंसी भी है, इजिप्शियन पाउंड भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबल कर देते हैं, ग्लोबल करके सेव किया, एंटर किया, नहीं वो करने नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है किसी कंपनी कोड के लिए बना हुआ है, ठीक है। एंटर किया, समझ में आ रहा है ये ऊपर से जा रहा है, मुझे ये पहले बता दो, टू मैं करता हूँ, US डॉलर, US डॉलर लोकल, लोकल 825 के लिए सेव किया। अच्छा ओके ओके, अब मैं आता हूँ लेजर पे, लेजर पे आया, K1 नॉन लीडिंग लेजर उठाया, कंपनी कोड की सेटिंग्स पे गया, एंटर किया, अच्छा नहीं कंपनी कोड तो इसने दिया हुआ है यहाँ पे, ओके नो, मुझे लेजर अलग से वो करना पड़ेगा, लेजर K1 नॉन लीडिंग लेजर, न्यू एंट्रीज 825, फिस्कल ईयर वेरिएंट K4, कैलेंडर ईयर 4 स्पेशल पीरियड्स, वेरिएंट 01, पैरेलल अकाउंटिंग, IFRS, फंक्शनल करेंसी 10, एंटर, ओके। यहाँ पे अब हम नीचे जाके देखते हैं, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट उसने करेंसी 70 ही उठाई है, ठीक, अच्छा IFRS लगा दिया, देखा आपने लेजर में प्रिंसिपल में गैप था, यहाँ पे IFRS मैंने लगा दिया है, ठीक है, तो ये आपके नॉन लीडिंग लेजर्स भी इस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा लेजर पे मैं जाता हूँ और मैं एक एक्सटेंशन लेजर बना लेता हूं, लेजर में कहता हूं 25 एक्सटेंशन, right.
इसको मैं लीडिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि फिर ये एरर दे देगा। मैं इसे कहता हूं एक्सटेंशन लेजर। एक्सटेंशन लेजर में लेजर टाइप जो होगा क्या होगा, जिसमें मुझसे वो चार ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। चार ऑप्शंस क्या दे रहा है कि स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज में, यानी इसमें एंट्रीज कर सकता हूँ, या फिर लाइन आइटम्स में टेक्निकल नंबर्स उसमें आ सकते हैं और डिलीशन भी पॉसिबल है, या फिर डिलीशन पॉसिबल नहीं। अब ये किन सूरत हाल में इस्तेमाल होते हैं कि जहां पे आपने टैक्सेशन शो करवाना है, डिप्रिसिएशन शो करवाना है, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है फॉरेन एक्सचेंज के, दूसरी करेंसी में आपने रिपोर्टिंग करवानी उसके लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ डिलीशन पॉसिबल क्योंकि मैंने कुछ कंसोलिडेशन के लिए भी अगर इस्तेमाल करें। अंडरलाइंग लेजर जीरो। एल एक्सटेंशन में ये लगाना लाजमी है। मैनुअल पोस्टिंग्स नॉट अलाउड अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये एक्सटेंशन लेजर आपका जीरो एलसी सारी एंट्रीज उठा पाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको आगे स्क्रॉल करता हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे, मैंने आई